नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय क्यू वुमेन्स प्राइड। क्यू वुमेन्स प्राइड आसनसोल कार बाजार। ये आसनसोल कार बाजार स्टाइल होम फर्नीचर डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर फर्नीचर वर्ल्ड। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में बर्नपुर क्रिकेट क्लब के महासचिव रमन झा को गिरफ्तार कर आज आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया। इसे लेकर बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए पश्चिम बंगाल सरकार सहित पुलिस को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि रमन झा ने 17 सितंबर वाले दिन अपने मोहल्ले की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि इसे किसी भी कीमत में बेल नहीं मिलनी चाहिए। जय हिंद साथियों, आज हमारे बनपुर और आसनसोल की सिख संगत की तरफ से आज हम अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज के मार्फत से हम अपने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के ऑनरेबल डीजीपी साहब से बहुत ही उनका हम शुक्रगुजार है कि उनकी पुलिस के ऊपर में बहुत सारे लोग इल्जाम लगाते हैं कि उनकी पुलिस के अंदर में बहुत सारी लापरवाही है, लेकिन आज हमने देखा कि हमारा बहुत ही पीसफुल शहर बर्नपुर, उस बर्नपुर का निवासी जो हमारे स्टील प्लांट का एम्प्लॉय भी है और बहुत ही हमारी सम्मानित जगह बर्नपुर के क्रिकेट क्लब का वो जनरल सेक्रेटरी भी था, ऐसे व्यक्ति ने 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा पूजा वाले दिन एक नाबालिग लड़की के साथ में जो उसी के मोहल्ले की रहने वाली है उस बच्ची के साथ में जो इसने दुष्कर्म किया, थोड़ा लेट हुआ लेकिन हमारी बनपुर इलाके की पुलिस प्रशासन की तरफ से और खास हमारे हीरापुर थाने के ऑनरेबल ऑफिसर इंचार्ज जिन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा निभाते हुए ऐसे नरभक्षी को जिसने एक बच्ची के साथ में ऐसा दुष्कर्म किया उसे छोड़ा नहीं, उसे कानून के तहत आज और जो धाराएं उन्होंने लगाई और हमने मीडिया में देखा, हम अपनी पुलिस प्रशासन का पूरा धन्यवाद करते हैं और हम अपनी पश्चिम बंगाल सरकार का धन्यवाद करते हैं कि जो ऐसे नरभक्षी हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में और खास हमारे आसनसोल डिवीजन बनपुर शहर को बदनाम करने के लिए ऐसा इस इंसान ने जिसका नाम रमन झा है, ये रामबान सामबान बनपुर का निवासी है जो इसको इस स्टील प्लांट का एम्प्लॉय भी है, जिसने इस तरह का नरभक्षी काम किया एक नाबालिग लड़की के साथ में जो इसने दुष्कर्म किया 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा वाले दिन, ऐसे इंसान को किसी भी हाल में मैं अपनी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे किसी भी कीमत में इसे बेल नहीं मिलनी चाहिए, इसे लाइफ टाइम सलाखों के पीछे में इसे सड़ा के रख देना चाहिए। क्यों?
आने वाले समय में हमारे पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पूजा दुर्गा पूजा, जिसे पूरे भारतवर्ष के लोग नवरात्रे मनाते हैं, जिसमें बच्चियों को लोग अपने घरों में बुला के श्रद्धा के साथ उन बच्चियों के पैर छू के, पैर धो के, उन्हें प्रणाम करके, उसे भोजन करा के उनका आशीर्वाद लेते हैं। और उस उम्र की बच्ची के साथ में इस नरभक्षी ने जो इस ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया है, मैं अपनी पुलिस प्रशासन से और खास करके हीरापुर थाने के ऑनरेबल ऑफिसर इंचार्ज को मैं बोलूंगा कि किसी भी कीमत में ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं मिलनी चाहिए। रेलवे में होने वाली दुर्घटना को किस तरह से संभाला जाए, इसे लेकर आज रेलवे की ओर से आसनसोल में सरप्राइज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल का आयोजन कर भविष्य में होने वाली घटना का किस तरह से सामना करें, इसका नकली अभ्यास किया जाता है। डीआरएम परमानंद शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मॉक ड्रिल के दौरान विभिन्न विभागों ने हिस्सा लिया। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची। मॉक ड्रिल की प्रक्रिया के बाद डीआरएम के नेतृत्व में एक बैठक की गई। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान न करे कि ऐसी नौबत आए, लेकिन अगर ऐसी कुछ होती है तो उसके लिए हम लोग हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं। और ये एक सरप्राइज मॉक ड्रिल इसीलिए किया गया है जिसमें लोगों को पहले से पता नहीं था और उन्हें अचानक सुबह में 9:32 पर बताया गया कि एक ट्रेन की एक्सीडेंट हो गई है जिसमें कई सवारी फंसे हुए हैं और हो सकता है कुछ की मृत्यु भी हो गई हो और सारी रिसोर्सेज मोबिलाइज कर। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जैसे ही एक खबर अपने कंट्रोल रूम को दी, कंट्रोल रूम ने सारे ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया और आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर अंदर हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे अपने सारे साजो सामान के साथ आ चुकी है। और अभी हम लोग जो डमी बॉडीज कोच के अंदर रख के उनके रेस्क्यू का, कोच को कहाँ से काटना है, कैसे लोगों को निकाल, फंसे हुए लोगों को निकालना है, इसको प्रैक्टिकली अपने हाथों से करके देख रहे हैं। इसके साथ ही जो बाकी विभिन्न विभागों के रोल होते हैं, जैसे हमारा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो कि एक आइडेंटिफाई करता है कि ये सवारी कहाँ की है, इनका नाम क्या है, उनके मिले बिलोंगिंग्स को, आइडेंटिटी को चेक करते हैं। हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट जो सारे पैसेंजर्स को सेग्रीगेट कर रहे हैं कि किनकी इंजुरी सीरियस है, किनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, किनकी माइनर है, फर्स्ट एड दे के निकाला जा सकता है। ऐसे सारे स्टेप्स जो किसी भी एक वास्तविक एक्सीडेंट के समय लिए जाने चाहिए, हम उनका पूर्ण रूप से लाइव जो कहे फुल स्केल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने इस स्कीम में अब नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो है NDRF फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, उसको भी इन्वॉल्व किया है। ये कल्याणी में बेस्ड फोर्स होती है और खबर लेके इन्हें भी बुलाया गया है ताकि ये भी एक लाइव हिस्सा बने हमारे रेस्क्यू का और हमें एक तरफ उनसे भी गाइडेंस भी मिलेगी, दूसरी तरफ वो जान पाएंगे कि रेलवे के एक्सीडेंट्स में किस तरह की परेशानियां होती हैं ताकि उनका भी अनुभव बढ़े इन सब चीज़ों में सहयोग दे। और यह एक म्यूचुअल एक्सरसाइज है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे तरीके से संपन्न होगी बगैर किसी हिकअप्स के। कुछ कमियाँ ज़रूर मिलेंगी और हम चाहते हैं कि हमारी सारी कमियाँ उभर कर सामने आए
ताकि हम उन सारी की सारी कमियों को अपने तौर पे फिर से मेहनत करके और अपने सिस्टम्स को प्रभावी बना के दूर करके रखें, ताकि जब सही समय आए तो हम कहीं भी कम ना पाए जाए। आसनसोल के शिशि नगर इलाके में होने वाला दुर्गा पूजा शिल्पांचल के प्रसिद्ध पंडालों में से एक है। इसका आयोजन पिछले 11 सालों से शिशि नगर शारदा उत्सव कमेटी द्वारा किया जा रहा है। इस साल एक बार फिर से ये कमेटी जोरों शोरों से दुर्गा पूजा की तैयारी में जुट गई है। कमेटी के सदस्य अरविंद मिहारिया ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से पूजा उतनी धूमधाम से नहीं की गई थी, लेकिन इस बार पूरे जोश और उल्लास के साथ तैयारियां की जा रही है। करीब 20 से 25 लाख रुपए का बजट उन्होंने इस साल का बताया है। ग्यारह साल से ये यहाँ पर पूजा कमेटी चल रहा है और हर साल पूरे धूमधाम से यहाँ पर पूजा होता है। हम यहाँ पर 4 साल से इनके साथ एसोसिएट हैं, लेकिन अभी 2 साल तो कोरोना महामारी के कारण सब कुछ बहुत ही शॉर्टकट में हुआ, लेकिन इस बार हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ और पूरे धूमधाम के साथ फिर वापस दुर्गा पूजा का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। बजट तो अब देखिए, यहाँ पर एक तो नॉमिनल सबसे जो है एक तो कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, उसी के हिसाब से लगभग देखिए पहले तो ये मंदिर को बनाया गया, फिर इसमें अब सेट डाला जा रहा है, फिर इसमें बाथरूम वगैरह सब बनाया जाएगा, मतलब पब्लिक यूटिलिटी के लिए लेडीज़ लोग के लिए सब व्यवस्था, ताकि उन लोगों को कोई तरह का कोई असुविधा ना हो। तो ये सब डेवलपमेंट में तो यहाँ पर 20-25 लाख रुपया का हम लोग का खर्चा है। सब कोई अपने आपस में सहयोग करके सब मिलजुल करके कर रहे हैं, उम्मीद है कि सारा काम ठीक से निकल जाएगा। मेरा नाम अरविंद मिहारिया, हम जो है सो सिस्टी नगर में रहते हैं 5 साल से और पूजा कमेटी के ही हम एक मेंबर हैं। सिस्टी नगर शारदोत्सव कमेटी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीडी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अच्छी कंडीशन में अगर सेकेंड हैंड कार चाहिए तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगी सभी प्रमुख कंपनियों की कारें, जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, फोर्ड, टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस ₹1,00,000। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफर के साथ, तो देर किस बात की, पधारे हमारे शोरूम में आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास शीतला मोड़, ADDA आसनसोल। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट।
जी हाँ, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड अपोजिट सनी मंदिर, नुरुद्दीन रोड, आसनसोल। वुमेन्स वेयर की ऐसी कलेक्शन जहाँ आपको मिलेगा ऑल टाइप ऑफ एथनिक वेयर। क्यू वुमेन्स प्राइड, लहंगास, कुर्ती सेट्स, प्लाजो सेट्स, पैंट्स, दुपट्टास के खूबसूरत एवं आकर्षित डिजाइन्स के अलावा और भी बहुत कुछ थोड़े एक्स्ट्रा ट्रेडिशन टच के साथ। अगर आप करना चाहते हैं एथनिक वेयर की शॉपिंग तो जरूर आए क्यू वुमेन्स प्राइड। हमारे यहाँ महिलाओं की पसंद का खास ख्याल रखते हुए सारे आउटफिट्स कलेक्ट किए गए हैं जो है स्टाइलिश और कम्फर्टेबल। क्यू वुमेन्स प्राइड, हमारा एड्रेस है गैलेक्सी मॉल, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल। स्टाइल होम फर्नीचर, फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब्स के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर, बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में, अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में एचयू व हेपा फिल्टर सिस्टम है जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल। देंदुआ क्षेत्र अंतर्गत एक निजी फैक्ट्री में आनंद नाम के एक व्यक्ति ने गनमैन आशीष दास की बंदूक से अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली, जिसके बाद फैक्ट्री में शोक का माहौल पसर गया। बताया जा रहा है कि आशीष दास जिसकी अब बंदूक है वह उसे आनंद को सौंप कर बाहर से टिफिन लाने गया था, जिस दौरान यह घटना घटी। खबर मिलते ही सलामपुर थाना व कल्याणेश्वरी फाड़ी फैक्ट्री पहुंची। पुलिस ने आशीष दास की बंदूक जब्त कर ली है और आशीष दास की फिलहाल कोई खबर नहीं है। वहीं गोली लगने से घायल होने पर आनंद को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सर आपका पीछे इलेक्ट्रिक वो हम कर रहे बोले वही काम को मेरा सामने आके खड़ा होकर कर लिया।
ঘটনাটা আমি ওখানে কাজ করছিলাম, ঠিক আছে। এবার কাজ করতে করতে একটা হঠাৎ করে একটা আওয়াজ হলো, সে আওয়াজটা যখন হয় তখন আমি ওখান থেকে এরকম ঘুরে তাকাই, তখন দেখি ও ওখানে পড়ে আছে। এবার ইলেকট্রিক রুমে আমি তাহলে ইলেকট্রিক শর্ট খেয়েছে, ওর জন্য আমি সবাইকে ডেকে নিয়ে এলাম। আর আমরা চারজন মিলে ওখানে কাজ করছিলাম ওই উপরে। তারপর কী দেখলাম? তারপর দেখলাম ও পড়ে আছে ওখানে, সবাই ছুটে এলো, তো সবাই এসে তখন দেখলো সিকিউরিটি দেখে ওদেরকে আগে ডেকে নিয়ে এলাম, ছুটে এলো, ও পড়ে আছে এইটা দেখলাম। তারপরে আমরা যাইনি কাছে, আর সিকিউরিটি রেখেছি, ওদেরকে আগে ডেকেছি। গুলি চালানো কোনো একটা আওয়াজ হলো এই পর্যন্ত, এবার কিসের আওয়াজ সেটা বলতে পারবো না। এবার ওরা এসে দেখলো, তারপর বললো গুলি চালিয়েছে, কিন্তু আমরা জানি না যে গুলি, কিন্তু আমি জানি ইলেকট্রিক একটা কারেন্টের শর্ট খেলে পড়ে যে আওয়াজটা হয় সে আওয়াজটা। এবার আমরা ওইখানে আছি, ওইখান থেকে কি কিসে কাজ করতো, কিসে কাজ করতো, হ্যাঁ কিসে কাজ করতো মানুষটা? আমি না, ও যে যার গুলি লেগেছে তার কি অবস্থা? যাই না বলতে পারবো না, আমরা তো এখানেই আছি। তার কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? ও তো পুলিশে। আপনার নাম? আপনার নাম? পুলিশে নিয়ে গেল। আমার নাম উত্তম মল্লিক। আজ বর্তমান পশ্চিম বর্ধমান জেলা কা কমিউনিস্ট পার্টি কা জেলা কমিটি কা মিটিং থা, ইসকে সম্পাদক হ্যাঁ কমল সিংচন্দ ব্যানার্জি, আর মিটিং মে অধ্যক্ষতা কা কাম কিয়ে কমল টি এস ওঝা। যখন বাতচিত হুয়া হ্যায় পশ্চিম বঙ্গাল মে আর হমারে ইস জেলা মে রাজনৈতিক অবস্থা হ্যায়, इस पर आपस में बातचीत हुआ है। और इस परिस्थिति में हम लोग वामपंथी लोग कैसे उनको जो त्रास हुआ है, जो कमी आई है, इसको कैसे दूर करके हमारे साथ में जो संगठन में रहने वाले लोग हैं वो हमको छोड़ कर नहीं गए हैं। हम लोग से अलग से मिलते हैं, कहते हैं कि हम लोग आप ही के साथ में हैं, लेकिन तृणमूल में रहते हैं, चूंकि हमको राशन मिलता है, हमको ऊपर से पैसा मिलता है, बेटा बेटी पढ़ते हैं तो उनको जूता मिलता है, उनको कॉपी किताब मिलता है, उनको बैग मिलता है, दोपहर में खाने को मिलता है, ये सारी बातें हैं कि हम उनके दिखावे में उनके साथ में हैं, असल में हम लोग आपके साथ में हैं। तो आज बातचीत यही हुआ है, उनको उभार के सामने कैसे लाया जाए। और पश्चिम बंगाल में एक बड़ा संकट आ रहा है, संकट आया है, राजनैतिक संकट। ये तो बात ठीक है कि अब बैंक हमको कर्जा देने के लिए सक्षम नहीं, बैंक डिनाई कर रहे कि हम कर्जा नहीं दे पाएंगे। तो बॉन्ड को फ्री का बांटते थे, इसमें एक बहुत बड़ा कटौती आएगा। तो सवाल है, पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल के लोग हैं इनकी राजनीति क्या होगी? ये पश्चिमपंथी है, वामपंथी है, प्रगतिशील है, ये क्या है? इनको ठीक करना पड़ेगा और इनको जनता को साथ में लेकर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कुछ महीने बाद जो चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव में
इसमें बहुत बड़ा बिखराव आने की संभावना है और हम लोगों का उभार आने की संभावना है, जो नीचे गए हैं उभार आने की संभावना है। इसीलिए इस पर विचार किया गया। हालांकि सम्मेलन के बाद पहली मीटिंग थी और अगली मीटिंग जब होगी थोड़ा और गंभीरता से विचार करेंगे और तय हुआ है कि जहाँ जहाँ हमारा वामपंथी संगठन है हम लोग एक साथ में लड़ाई करेंगे, वामपंथी के लोग को इकट्ठा करेंगे, प्रगतिशील लोग को इकट्ठा करेंगे, उसको लेकर के हम लोग पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए, राजनीतिक अवस्था बेहतर करने के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। इसीलिए आज की मीटिंग हुई है कांग्रेस जी सोजा की अध्यक्षता में। कांग्रेस नया जिला संपादक जी की पहली मीटिंग थी सज्जन नरेंद्र मोदी की, उनके उन्होंने शुरुआत किया था। अगर तापस सिन्हा जो है हमारे यूथ के नेता है बंगाल के, ये हमारे यहाँ सक्रिय रूप से काम किए हुए हैं और इनको हम लोग और सक्रिय रूप से बर्धमान जिला में इनका और कैसे इनका उपयोग किया जा सके इस पर बातचीत करना चाहते हैं। इसलिए आज का मूल सब्जेक्ट था सांगठनिक रूप से तैयार होना, पंचायतों में जो कुरीतियाँ हो रही हैं उसको दूर करने के, उसको दूर करने के लिए संघर्ष करना और वामपंथी एकता को मजबूत करना, इस पर हम लोग की बातचीत हुई है। आपका नाम? मेरा नाम आरसी सिंह और मैं बर्धमान जिला का सदस्य कमेटी का सदस्य हूँ सीपीआई का। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।